अरे हंसी फट रहा है का? बस भैया बस, अब इसे आए तक कहानी हम सुनाते हैं। सच भैया, इन बड़े लोगों का संबंधा बहुत मुश्किल काम है। हम जैसा बंद बुद्धि के लोग इन महान लोगों की बातों को सुनना और इनके पीछे पीछे चलना ही सुहाता है। अब हम विशाल जुलूस के रूप में भरने लगे। चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग थे। बैनरों और झंडों से जैसे पूरा आकाश भर गया हो। लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे। नेताजी किसी भी समय पहुंचने वाले थे। चलते चलते हमारे पांव में छाले पड़ गए थे। भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। नेताजी की बार बार आने की सूचना मिल रही थी। लोग इधर उधर त्योहरा कर गिर रहे थे। उनको उठाकर ले जाया जा रहा था। हमें भी लगा कि गस खाकर गिरने में कोई देरी नहीं है। 3 घंटे इंतजार करने के बाद आखिर नेताजी के आने की पक्की सूचना मिली। सर के ऊपर नेताजी का हेलीकॉप्टर किसी विशाल दैत्य की तरह गर्जन करते हुए चक्कर काट रहा था। लोग अपनी आंखें फाड़े ऊपर देख रहे थे। चारों तरफ लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में हाका लगा हो। दिशाहारा भागते फिरने के बीच 2-4 धमाकों की आवाज आई और पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दी। बस किसी का सिर फूट रहा था, किसी के पैरों में चोट लग रही थी। इसी बीच देखा कि कुछ लोगों ने पत्थर इकट्ठा करके पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने शुरू कर दिए। बस भैया, यह सब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाऊं, किधर भागूं, कभी उधर। बस चारों तरफ धुआं, अंधकार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वही जमीन पर बैठ गया। अभी उठने का उपक्रम कर ही रहा था कि पीठ पर पुलिस की दगादन लाठियां बरसनी शुरू हो गई। मैं जीवा होते जानवर की तरह सर पकड़े चिल्लाए जा रहा था। अचेतन अवस्था में अनगिनत लोगों के साथ मुझे पुलिस वैन में डाल दिया गया। बाद में पता चला नेताजी नीचे मची भगदड़ को देखकर बिना उतरे हेलीकॉप्टर वापस घुमा के चले गए थे। इसी तरह फिलहाल हवालात से आधी रात को छुट्टी मिली। सर पे पट्टी बंधी, दाहिना कंधा उतरा, बाएं पैर में चोट लिए मैं अपने साथियों को ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से कुछ साथी मिले और एक गाड़ी किसी तरह गांव जाने के लिए तैयार हुई। रास्ते भर नंदन बाबू बताते रहे कि पुलिस की मार खा के हम बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। दिन भर हमें टीवी में दिखाया जा रहा है। किसी तरीके से हम अपने गांव पहुंचे तो सुबह होने वाली थी। 4-5 भौंकते आवारा कुत्तों के साथ जब हम अपने घर पहुंचे तो आंगन का दरवाजा खुला हुआ था। आंगन में 4-5 लोग खड़े थे। बीच में तुलसी चौरे के पास मेरे बच्चे मनुआ की लाश पड़ी थी। पत्नी और दोनों बच्चों का रोड़ों में बुरा हाल था। पत्नी ने मुझे देखा और कहा, आओ मनुआ के बापू, शहर गए थे ना हमारे खातिर, शहर गए थे ना सुख लेवे खातिर। आ गया हमारा सुख का दिन, मर गया हमारा बचवा, छोड़कर चला गया हमको। इतना सुख अब हमसे कैसे सहेगा बताओ, इतना सुख अब हमसे कैसे सहेगा बताओ।